नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी एक पार्ट सिखाएंगे जो पार्ट आप लोग देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, मैं वीडियो शुरू कर रहा है और आप लोग देखते रहिए कि मैं क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ। और ये बीआरएन खड़ा है, देखिए बीआरएन खड़ा है। इनके एक ब्रेक सिस्टम के आप लोगों को सिखाएंगे, जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के जो कनेक्शन किस तरीके से पार्ट्स लगा रहता है उनके बारे में। तो चैनल पे नए तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने बोलिए। चलिए मेरा वीडियो शुरू। बीआरएन का सामने में है, इस तरीके का बात नहीं है कि बीआरएन का सामने है। कोई भी गाड़ी में आपका जो आपका बोगी माउंटेड सिस्टम के ब्रेक सिस्टम के लिए मैं बोल रहा है, अगर वो सिस्टम कोई भी वैगन में लगा रहेगा तो सिस्टम एक ही किस्म के होंगे, तो उसी के बारे में मैं चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि जबकि बोगी माउंटेड सिस्टम होता है तो उनमें आपका देखिए डीवी, ऑक्सिलरी रिजर्वर, ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वर, ये सब तो रहता ही है। इसके बावजूद एक आपका पार्ट्स रहता है जो कि लोड एम्प्टी के काम करता है। ये देखिए, ये लोड एम्प्टी डिवाइस जो कि माउंट रहता है सिस्टम को बनाया गया है। ये डिवाइस आपके बोगी बॉडी में बैठा है और ये बोगी का फ्रेम का साथ में इसका डिफरेंस का हिसाब से लोड एम्प्टी के ब्रेक करेंगे। तो मतलब लोड में जो हमारा गाड़ी का जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजना होता, कौन से फोर्स में गाड़ी को खड़ा करना होता, एम्प्टी में उसका कम फोर्स में खड़ा करना होता, तो उसके लिए जो मेरा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर का जो कम बेसी होता है यही ये रेगुलेट करता है। इसमें एक 6.6 का एक ऑक्सिलरी रिजर्वर है, 6.6 लीटर का, ये देखिए। और इसी के साथ में कनेक्शन होने के बाद में अभी मैं बोगी फ्रेम में चले जाते हैं कि दिखाने वाला हूँ कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के पार्ट्स के बारे में। देखिए ये आपका ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है और फिटिंग्स कहाँ है, देखिए बीम का इधर ही लगा हुआ है, बीम का साथ में, ब्रेक बीम का साथ में। ये जो ब्रेक बीम है आप देखते हैं, ये इसको ब्रेक बीम बोलता है, ये पोर्शन को ब्रेक बीम बोलता है। इसमें देखिए इधर ब्रेक ब्लॉक लगा है, इधर ब्रेक ब्लॉक लगा है, इधर आपका ब्रेक हेड बोलते हैं, और एक प्राइमरी ब्रेक बीम होंगे और इसके पीछे वाला जो उस तरफ में है वो आपका सेकेंडरी ब्रेक बीम है। तो अभी देखिए प्राइमरी ब्रेक बीम में मेरा 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर बैठा हुआ है, इसका कनेक्शन देखिए। सिलेंडर है ये 500 mm का, आपको डबल रैपिड वाल्व इसमें लगा हुआ है 500 mm तक, ये आपको स्लैक को एडजस्ट करते हैं। और इसमें पिस्टन स्टॉक आपका एम्प्टी में 55 प्लस माइनस 10 के होते हैं, और आपका जो कि 70 प्लस माइनस 10 आपका लोड में होते हैं। ये जो मेरा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का इधर देखिए पिस्टन है, ये आपका देखिए सिलेंडर का इधर पिस्टन में आपका देखिए पीछे में आपका ये जो पोर्शन है ये बेल्ट क्रैंक है, ये त्रिभुज का शरीर रहता है, इधर एक पिन है, उधर एक पिन है, और एक पिन आपका ये ब्रेक बीम का साथ में लगा हुआ है। सेम आपका इस तरफ में भी देखिए ये पिस्टन का साथ में एक पिन लगा है, ये ब्रेकर का साथ में, और एक आपका ये जो पिन दिख रहा है ये आपका पुश रॉड में चले गया, और ये आपका जो पिन दिख रहा है ये पिन आपका ब्रेक बीम में लगा हुआ है। ये जो सिलेंडर बैठा हुआ है इसमें इस तरफ में एक ब्रेल क्रैंक मतलब त्रिभुज का शरीर के तीन है, एक दो और एक तीन, और इसमें भी सेम आपको दिखेंगे कि देखिए एक दो और इधर एक तीन, आपको तीन आपको दिख रहा है, ये बेल क्रैंक दोनों तरफ सिलेंडर में लगा हुआ है। और कोना में जो ये जो आपको दिख रहा है पिन, और इस तरफ में जो कोना वाला जो पिन दिख रहा है ये पिन आपका चले गया पुश रॉड में, सेकेंडरी बीम के लिए कनेक्शन हुआ। ये पुश करने के बाद में इधर से जब आपका पिस्टन ऑपरेट होता है तो पीछे वाला जो ब्रेक बीम है उसमें भी कनेक्शन होकर गाड़ी में ब्रेक लगता है। किस तरीके से लगता है दिखाएंगे, चलिए। जो सेकेंडरी बीम में आ गया है, अब व्हील के देखिए अंदर साइड में ये ब्रेक हेड इधर लगा है, ब्रेक हेड इधर लगा हुआ, और ये जो रॉड आपको दिख रहा है उस तरफ से आ रहा है, ये रॉड है आपका पुश रॉड, इस तरफ में एक है और सेमली उस तरफ से आया है जो कि सिलेंडर से ऑपरेट होते हुए ये बीम में आया है, और ये आपका कनेक्शन हुए है ये बीम के साथ में।
ठीक है। देखिए अब उधर से जब पिन को ऑपरेट होता है, सिलेंडर का जो पिस्टन ऑपरेट होता है, उस दौरान आपका ये पुश करने के बाद में इधर आके आपका व्हील ट्रेड में ब्रेक ब्लॉक लग जाते हैं, इस तरीके से ब्रेक होते हैं। ये सिलेंडर अभी ब्रेक सिस्टम में है तो आपका पिस्टन निकला हुआ है, और इस सिलेंडर में देखिए ये एक पॉइंट होता है, ये ब्रेक लगा है कि नहीं, ये इंडिकेटर है। अगर ब्रेक लगा रहेंगे तो रेड पोर्शन जो है ये निकला होंगे, और आपका ब्रेक नहीं लगा होंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन इसमें अगर ब्रेक बेंडिंग होते हैं तो देखिए इसमें एक भिंट आपका स्क्रू है, मतलब ब्रेक बेंडिंग के आपको प्रॉब्लम होने से, अगर न्यूमेटिक सिस्टम से ब्रेक बेंडिंग होता है तो आप ये भिंट स्क्रू खोल के इसको रिलीज कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल सिस्टम से होता है तो ये खोलने से भी नहीं, बेंडिंग होने से आपको ये पिस्टन साइड का जो ये बहुत कड़ा होंगे, लेकिन आपको या तो ये पिन, नहीं तो ये जो बेल क्रैंक का ये पिन और इस तरफ का ये जो है ये पिन, नहीं तो आपका ब्लैंक क्रैंक का जहां आपका पुश रॉड का कनेक्शन है वो पिन को खोलने पड़ेंगे। खोलने का बाद में ये पिस्टन अगर अंदर भी हो गया तो ब्रेक ब्लॉक ढीला करने के लिए एक पिंच बाड़ी आपको रखने पड़ेंगे, और आपको इस गैप में इस पिंच बाड़ी को घुसाने के बाद में इसको पीछे में ढकेलने पड़ेंगे और ये ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। और ब्रेक रिलीज होने के बाद में इसको आपको डीएक्टिव करने के लिए आप देख सकते हैं, कोई भी कारण से इस बोगी में अगर ब्रेक बेंडिंग हुआ तो आइसोलेटिंग कॉक को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में मैं चलिए बाहर निकल के थोड़े ब्रेक बेंडिंग रिलीज करने का कंडीशन समझाते हैं। पीछे वाला आगे बोल दिया है, अब आगे वाला अभी पीछे में। स्वागन में ब्रेक बेंडिंग होने से आपको कोई भी एक ट्रॉली में हुआ होगा या तो डबल ट्रॉली हुआ होगा, तो आपको पहला इधर से मैनुअल रिलीज करना पड़ेंगे, उसके बाद में आपको जो ट्रॉली में हुआ है उस ट्रॉली में आपको जाके जो मैंने थोड़ा आगे दिखाया है उस का प्रोसीड्योर एप्लीकेशन करिए। तो ब्रेक बेंडिंग सिंगल ट्रॉली हुआ तो मैंने दिखाया है आइसोटी को, एक ट्रॉली के लिए है उनको आप करिए। अगर डबल ट्रॉली मतलब दोनों ट्रॉली में ब्रेक बेंडिंग हुआ तो आने का बाद में रिलीज करने के बाद में ये आर्चर हैंडल को उठा दीजिए और मैनुअली रिलीज कर दीजिए, रिलीज हुआ कि नहीं देख लीजिए, गाड़ी को छोड़। चलिए इस तरीके से आप लोगों को मैं एक बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में जो आपका ब्रेक सिलेंडर के साथ में आपका जो कनेक्शन है ब्रेक शू या तो ब्रेक बीम के साथ में उनको समझाने की कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, कुछ जानकारी ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ऑल टाइम खुला रहता है, आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं सामने में आपका फ़ोन नंबर डाल दूँगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड।